बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं MI की इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में। MI की इलेक्ट्रिक स्कूटर में कौन कौन से मॉडल शामिल हैं और M365 की मैं पूरी स्पेसिफिकेशन आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, वीडियो को आखिर तक देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बने बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं शाओमी की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, शाओमी की हिस्ट्री बता चुका हूँ, शाओमी के CEO का आपको बता चुका हूँ, शाओमी कंपनी कब स्टार्ट हुई। अगर आपने मेरी वो पिछली वीडियो नहीं देखी तो आपको आई बटन में उसका लिंक नज़र आ रहा होगा, जल्दी से जाइए वो वीडियो भी देखिए, ताकि आज की वीडियो की भी आपको अच्छे से समझ आ सके। तो आज हम बात करेंगे शाओमी की इलेक्ट्रिक स्कूटर M365 की और दीगर मॉडल्स में आपको बताने जा रहा हूं। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शाओमी की इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बारे में। ये एक रिचार्जेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं इसके, और इसमें और काफ़ी सारे मॉडल्स हैं, लेकिन आज मैं आपको जिस मॉडल की स्पेसिफिकेशन बताने जा रहा हूँ वो मॉडल शाओमी इलेक्ट्रिक स्कूटर M365 है। और इसकी सारी स्पेसिफिकेशन कुछ यूँ है। सबसे पहले साइज़ आ जाता है, इसका साइज़ 108x43x49 cm है, जबकि इसका वेट 12.5 kg है। और इसका आउटपुट 250 से लेकर 500 वाट तक है, और इसकी रेंज एक दफ़ा बैटरी को मुकम्मल चार्ज करने के बाद 30 किलोमीटर तक है, यानी 18 माइल्स तक एक दफ़ा बैटरी चार्ज करने के बाद ये सफ़र तय कर सकती है। और इसके बाद इसका चार्जिंग टाइम 4.5 घंटे है, और इसकी मैक्सिमम क्लाइंबिंग एंगल 14% है। टायर्स क्वालिटी इंसुलेटेड है, और शॉक एब्जर्वर इसमें कंपनी ने नहीं लगाया। फ्रंट ब्रेक EABS रीजनरेशन डिस्क है, और जबकि रियर ब्रेक मैकेनिकल है इसमें। ब्रेकिंग डिस्टेंस अगर हम 20 किलोमीटर पर आर की स्पीड पर हों तो फिर हम इसकी ब्रेक लगाएं तो इसका डिस्टेंस 3 से 4 मीटर तक का होता है। और वाटरप्रूफ इसमें स्प्लैश रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इसके अलावा इसमें हेडलाइट 1.1 वाट की है, राइडिंग मोड इसमें इकोनॉमी है, और इसका डिस्प्ले में इसमें बैटरी लेवल शो होता है, और जबकि इसका राइडिंग मोड शो होता है। शाओमी MI365 की 2 साल की कंपनी की तरफ से गारंटी मिलती है। स्पेसिफिकेशन में सिगवे ES2 मॉडल का पूरा मुकाबला करती है। शाओमी की इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के और भी मॉडल्स हैं, जिनमें से कुछ मॉडल्स MI इलेक्ट्रिक स्कूटर 3 ONYX ब्लैक शामिल है, और MI इलेक्ट्रिक स्कूटर 3 ग्रेविटी ग्रे, और शाओमी का MI N-Boot बाय सिगवे Z10 यूनिसाइकिल शामिल है। शाओमी का NI Boot बाय सिगवे E25E, शाओमी का 9 Boot बाय सिगवे E10 इलेक्ट्रिक स्कूटर शामिल हैं। आज की वीडियो में हमने जाना शाओमी के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की कुछ डिटेल जानी, उसके मॉडल्स कौन कौन से हैं, और इसका जो इलेक्ट्रिक स्कूटर का मॉडल M365 है उसकी मुकम्मल स्पेसिफिकेशन हमने आज की वीडियो में जानी। आपको ये डिटेल और शाओमी की ये यूनिक प्रोडक्ट आपको कैसी लगी? क्या आपको आज से पहले शाओमी की इस यूनिक प्रोडक्ट के बारे में मालूम था? अगर मालूम था तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर नहीं मालूम था तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सकें बर वक्त। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।